अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम चंद पैराग्राफ्स हैं उनकी जो है ट्रांसलेशन करेंगे, उससे काफ़ी उससे वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे और किस तरह से क्या क्या सेंटेंसेस इसमें यूज़ किए गए हैं वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखें इसका नाम, देखें क्या है, द रिपोर्ट, यानी एक रिपोर्ट के बारे में, एक रिपोर्ट जमा करवानी है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये एक कहानी है। सो लेट्स बिगिन। ली सैट, ली बैठा हुआ था, देखें ली के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि वो पास्ट में बैठा हुआ था एक जगह पर। कहाँ पे? अमंग, अमंग यानी दरमियान, द बुक्स, बुक्स के दरमियान बैठा हुआ था, एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, बुक्स के दरमियान, लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था। एंड और थॉट, और उसने सोचा, क्या सोचा, अबाउट हिज ग्रुप प्रोजेक्ट, जो अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में उसने सोचा। दे, उन्हें दे, ठीक है, ग्रुप है ना, तो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो इन्होंने दे हैड टू, उन्हें करना था, ठीक है, कोई भी काम करना था, मजबूरी हो या ज़रूरी हो, तो हैड टू का हम यूज़ करते हैं, पास्ट में यूज़ हो रहा है, और हैव टू, हैज टू हम प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं, जिसके जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, ठीक है, और यहाँ पे था मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, तो यहाँ पे इसी तरह है कि आई हैड, दे हैड टू, उनको करना था, क्या करना था, टर्न इट इन, टर्न इट इन यानी कि टर्न समथिंग इन, यानी कि हवाले करना था, जमा करवाना था, ठीक है, और सून, सून यानी जल्द ही, उन्हें जो है जमा करवाना था जल्द ही इस प्रोजेक्ट को। बट लेकिन ही हैडेंट, लेकिन ही हैडेंट, हेड नोट का कॉन्ट्रेक्शन है हैडेंट, लेकिन उसने अभी तक, इवन, इवन अभी तक, ठीक है, इवन अभी तक के लिए, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया था, स्टार्टेड हिज पार्ट, उसने अभी तक अपने हिस्से का काम स्टार्ट ही नहीं किया था, ठीक है। हैड, हेड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये है पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है, कोई भी काम नहीं किया था उसने, शुरू भी नहीं किया था। बट ही हैडेंट इवन स्टार्टेड हिज पार्ट, ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इसलिए आया क्योंकि हम देखें जो पहले बात कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट यानी कि पास से भी पहले कोई काम करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि नहीं हुआ था वो काम, अभी उसने स्टार्ट भी नहीं किया था, इसलिए परफेक्ट में बनाया है। जैक एंड क्लेरी, जो नाम है वो जैक एंड क्लेरी, वर इन हिज ग्रुप, उसके ग्रुप में थे, ठीक है, वर इन हिज ग्रुप यानी उसके ग्रुप में थे, वर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि वो बता रहे हैं कि वो उसके ग्रुप में थे, ठीक है। जैक एंड क्लेरी वर इन हिज ग्रुप, उनके ग्रुप में थे। दे हैड, और उन्होंने क्या कर लिया था, दे हैड वर्क हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, दे वर्कड हार्ड, हैड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, दे के बाद देखें हैड आया, हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है वर्कड, वर्कड हार्ड, उसने, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। दे वर, और वो क्या थे, दे वर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, और वो बड़े स्मार्ट भी थे, ये ली सोच रहा है, ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको। दे वर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, वो बड़े स्मार्ट भी थे। एंड, एंड और ली डिंट वॉन्ट देम, ली डिंट वॉन्ट देम यानी वो नहीं चाहता था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में बना हुआ है, डिंट, डिड नॉट की कॉन्ट्रेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें डिड नॉट का कॉन्ट्रेक्शन डिंट है यहाँ पर, ठीक है, ली नहीं चाहता था, वॉन्ट, ली डिंट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था देम, उन्हें यानी कि उनके लिए नहीं चाहता था कि वो टू गेट अ बैड ग्रेड, कि वो क्या बैड ग्रेड हासिल करें, कोई बुरे नंबर हासिल करें, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस होता है ना, आई वॉन्ट टू गेट अ गुड मार्क्स, तो यानी कि मैं अच्छे मार्क्स लेना चाहता हूँ। वॉन्ट टू के दरमियान इन्हें जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया है, तो मतलब क्या है कि उनसे नहीं चाहते कि उनके आए, ठीक है। ली डिंट वॉन्ट देम टू गेट अ बैड ग्रेड, यानी कि वो नहीं चाहता था कि उनके बैड ग्रेड्स आएँ, ठीक है। जैक डिड द रिपोर्ट, जो जैक था उसने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली थी, अपने काम कर लिया था, रिपोर्ट मुकम्मल, उसका जो हिस्से का काम था वो कर चुका था। ही रोट, उसने लिखे थे अ लॉट ऑफ वेरी गुड सेंटेंसेस, उसने यानी कि काफ़ी सेंटेंसेस लिखे थे, और वो भी बहुत अच्छे सेंटेंसेस लिखे थे। एंड डिस्क्राइब, और एंड डिस्क्राइब थिंग्स, और चीज़ों को बयान किया था विद ग्रेट एडजेक्टिव्स, और जो है बड़े अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स के साथ उसने बहुत ज़्यादा शानदार किस्म के एडजेक्टिव्स के साथ उसको थिंग्स को यानी चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, और बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंसेस भी यूज़ किए थे।
क्लेरी, और क्लेरी ने क्या किया था, ड्र्यू, उसने ड्र्यू किया था, यानी ड्र्यू ड्रो की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे ड्र्यू, यानी पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। क्लेरी ड्र्यू अ नाइस मैप ऑफ द स्टार, और उसने क्या किया था, एक नाइस मैप, स्टार यानी कि मैप क्या होता है, नक्शा, नक्शा बनाया था ऑफ द स्टार्स, स्टार्स का, ठीक है। आगे बढ़ा लेते हैं। नाउ अब क्या था, ली नीडेड टू यानी ज़रूरत थी, ठीक है, पास्ट में ना ज़रूरत थी। ली नीडेड टू डू, करना था उसको, क्या करना था, करने की क्या ज़रूरत थी, हिज पार्ट, उसका अपना पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि उसका प्रोजेक्ट का अपना पार्ट था, वो करने की उसको अब ज़रूरत थी, क्योंकि जैक और क्लेरी अपने हिस्से का काम कर चुके थे, अब उसको ज़रूरत थी कि वो अपने हिस्से का पार्ट कर सके। वेल, उसने सोचा ऐसे ही, वेल जो है किसी भी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए वेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई सपोज, मान लो, आई नीड टू स्टार्ट, मान लो, आई सपोज यानी मान लो, मैं मान लेता हूँ, इस तरह से मैं मान लेता हूँ, आई नीड टू, मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट नहीं है बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई नीड टू स्टार्ट, मुझे स्टार्ट करने की ज़रूरत है माय मॉडल, मेरे मॉडल को, ठीक है। ली थॉट, उसने सोचा कि मैं मान लेता हूँ कि मुझे अपने मॉडल को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मेकिंग अ मॉडल, लेकिन मेकिंग अ मॉडल, अब सोच रहा है कि मेकिंग अ मॉडल यानी कि एक मॉडल को बनाना ऑफ अ प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट का, वॉज रियली, वो वाकई में बहुत हार्ड है, मुश्किल है, ठीक है। मेकिंग अ मॉडल यानी मॉडल बनाना, यहाँ से हम जो है आई एन जी फॉर्म से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि क्रिकेट खेलना अच्छा है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट इज़ गुड, ठीक है। झूठ बोलना बुरी आदत है, इस तरह बोल सकते हैं कि टेलिंग अ लाई इज़ बैड हैबिट, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आई एन जी फॉर्म से शुरू करेंगे, यानी कुछ करना, मेकिंग अ मॉडल यानी कि मॉडल बनाना ऑफ अ प्लेनेट, एक प्लेनेट का, वॉज रियली हार्ड, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ली ट्राइड टू रीड सेवरल बुक्स, अब उसने क्या किया, कोशिश की, ट्राइड, ठीक है, कोशिश की ना, उसने कोशिश की क्या करने की, टू रीड सेवरल बुक्स, सेवरल यानी कि अलग अलग किस्म की बुक्स पढ़ने की, यानी उसी टॉपिक पर अलग अलग बुक्स पढ़ने की कोशिश की। बट लेकिन ही कुडेंट, वो नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, कॉम्प्रीहेंड यानी अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, गेट नहीं कर पाया किसी भी, एनी ऑफ द चार्ट्स, यानी किसी भी चार्ट्स को जो है वो नहीं समझ पाया, उनमें से किसी भी चार्ट को, और एनी ऑफ द चार्ट्स, यानी उन चार्ट्स में से किसी को भी, ठीक है, किसी को भी नहीं कर पाया, कुडेंट से यहाँ पे शो हो रहा है। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक। वी आर गोइंग टू फेल, अब वो सोच रहा है कि वी आर गोइंग टू फेल यानी कि हम नाकाम होने वाले हैं, हम फेल होने वाले हैं, हम फेल होने वाले हैं, गोइंग टू होने वाले का यूज़ करते हैं ना, वी आर गोइंग टू फेल, हम फेल होने वाले हैं, बिकॉज जो है यहाँ पे क्योंकि के लिए नहीं आया, बल्कि बिकॉज ऑफ यानी वजह से, मेरी वजह से, किसकी वजह से, मेरी वजह से हम अब फेल होने वाले हैं, ली सोच रहा था, क्योंकि उसने अपने काम, ली सेड, उसने कहा, ली ने कहा, ठीक है। तो ली ने इसलिए कहा क्योंकि वो अपने हिस्से का काम नहीं कर पाया था, जबकि जैक और क्लेरी ने कर दिया था। ही पुट हिज हेड डाउन, पुट डाउन यानी नीचे रख देना, ठीक है। अब कहाँ पे रखा, नीचे कहाँ पे कर दिया उसने अपना हेड को, कहाँ पे रख दिया, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, यानी कि यूं करके रख देते हैं ना, हेड डाउन हो जाते हैं इस तरह से, तो वो हेड डाउन हो गया, अपने सर को उसने टेबल पर रख लिया। एंड सेड, और कहा, आई विश, काश, आई विश यानी काश का यूज़ करते हैं ना, आई विश आई कुड सी अ प्लेनेट, काश मैं एक प्लेनेट को देख पाता, काश मैं प्लेनेट को देख पाता, ठीक है, इस तरह से। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, ठीक है, के बजाय, हैविंग टू रीड अबाउट इट, इसको पढ़ने, इसके बारे में पढ़ने के बजाय मैं उसको देख पाता, काश, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हैविंग, यहाँ पे देखें इंस्टेड ऑफ के बाद आई एन जी फॉर्म आई है, यानी कि उसको पढ़ने के, हैविंग टू रीड यानी पढ़ना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू रीड अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ने के बजाय, आई विश आई कुड सी अ प्लेनेट, काश मैं उस प्लेनेट को देख पाता। से लेट्स मूव अहेड। सडनली, अचानक, ठीक है, सडनली अचानक के लिए यूज होता है, सडनली अचानक, देयर वॉज अ ब्राइट लाइट, एक रोशनी जाहिर हुई, ठीक है, वो एक रोशनी सी थी। ली वॉज पुल्ड यानी कि किसी भी चीज़ से अलग होना, खींचना, ठीक है। तो कहाँ से खींच रहा था वो, फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से खींच रहा था, ठीक है। थ्रो द रूफ यानी ऊपर की तरफ जा रहा था, थ्रो रूफ की तरफ खींच रहा था, ठीक है। एंड
राइट इनटू अ स्ट्रेंज शिप, और किसकी तरफ, एक स्ट्रेंज यानी अजीब सी जो शिप थी उसकी तरफ खींच रहा था वो। ठीक है, हेलो हेलो कहा किड, हेलो किड, हाय बच्चे, इस तरह से मुखातिब किया। सेड एन एलियन, एक एलियन ने कहा ये बात। ठीक है, डिड यू आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर यानी मांगना, डिड यू ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंडायरेक्टिव सेंटेंस है, डिड यू आस्क फॉर हेल्प, क्या तुमने मदद मांगी। ली टोल्ड द फ्रेंडली एलियन, अब जो है ली ने जो है अपने फ्रेंडली यानी दोस्ताना अंदाज में उसको सब कुछ बता दिया, ऑल अबाउट हिज प्रोजेक्ट, उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ उसको बता दिया। सो लेट्स मूव अहेड, द एलियन एग्रीड, और एलियन जो है मान गया क्या करने के लिए, टू हेल्प, क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए मान गया, किसकी, ली की, सॉल्व हिज प्रॉब्लम, क्या करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए वो मान गया। फर्स्ट पहले, वी विल फ्लाई, हम पहले उड़ेंगे यानी कि थ्रो स्पेस यानी कि स्पेस की जानिब उड़ेंगे, खला की जानिब उड़ेंगे हम, टू व्यू, देखने के लिए, द यूनिवर्स, यूनिवर्स कायनात को देखने के लिए यानी कि ऊपर का जो भी है उसको देखने के लिए हम उड़ेंगे। देन फिर, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेक अ मॉडल, क्या बनाने में, मॉडल बनाने में, ऑफ माई प्लैनेट, मेरे प्लैनेट का मॉडल बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा या कर सकता हूँ। ठीक है, देन ठीक है, सून, जल्द ही, सून जल्द ही का बोलते हैं ना, जल्द ही, दे वर गोइंग, वो जा रहे थे, थ्रो द क्लाउड्स, क्लाउड्स के दरमियान से गुजर रहे थे। ठीक है, दे पास्ट, उन्होंने पास किया यानी उसकी तरफ से गुजरे, किसकी तरफ से, मून की, चांद की तरफ से गुजरे यानी चांद को उन्होंने पार किया, पास कर लिया। ठीक है, देन फिर, दे व्यूड मार्स, उन्होंने क्या देखा, मार्स को देखा। ठीक है, जो कि प्लेनेट का नाम है। ली वॉज वेरी एक्साइटेड, ली जो है बड़ा पुरजोश था, एक्साइटेड पुरजोश था, बड़ा खुशी में था। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ हमें पता है ना, के बजाय किसके बजाय, अ बैड ग्रेड, एक बैड ग्रेड आने के बजाय, हिज ग्रुप, उसका जो ग्रुप है, वुड हैव, करने वाला था। ठीक है, करने वाला था, वुड हैव का यूज़ किया है यहाँ पे, क्या करने वाला था, द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर, एक बहुत यानी ऐसा प्रोजेक्ट के जो किसी ने नहीं बनाया होगा, वो शानदार किस्म का प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, उनका ग्रुप वो बनाने वाला था। इट्स टाइम टू गो होम, अब वक्त है घर चलने का, चलो घर चलें, खाने का वक्त है, इट्स टाइम टू ईट, खेलने का वक्त है, इट्स टाइम टू प्ले। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं, तो इट्स टाइम टू गो होम, अब घर जाने का वक्त है। द एलियन, जो एलियन था, फाइनली सेड, उसने आखिरकार कहा, फाइनली यानी आखिरकार उसने कहा। ठीक है, यही कहा ना कि इट्स टाइम टू गो होम। ऑन द वे बैक, यानी कि आने के रास्ते पर, ठीक है, जब आ रहे थे वो रास्ते पर, ऑन द वे बैक, ठीक है, आते हुए रास्ते पर, ही हेल्प्ड, उसने मदद की यानी रास्ते के अंदर ही जब वो आ रहे थे, जब मदद की, ही हेल्प्ड ली की मदद की, मे का मॉडल, मॉडल को बनाने में, ऑफ द प्लैनेट मार्स, मार्स का जो प्लैनेट था उसको बनाने में उसकी, ली की मदद की। सून, जल्द ही, दे वर ऑन अर्थ, वो क्या थे, अर्थ पर थे, ज़मीन पर थे, जल्द ही वो अब ज़मीन पर थे। ठीक है, थैंक्स, उसने शुक्रिया अदा किया, ली सेड, ली ने कहा थैंक्स। और क्या कहा, माय मॉडल विल बी ऑसम, मेरा जो मॉडल है वो विल बी, होगा, क्या होगा, ऑसम, बहुत ज़्यादा शानदार होगा। देन फिर, ही टुक हिज मॉडल, और उसने अपना मॉडल लिया, एंड सेड गुड बाय, और अल्लाह हाफिज़ कहा उसको। ठीक है, गुड बाय कह दिया टू हिज न्यू फ्रेंड, जो उसका नया फ्रेंड बना था एलियन, उसको गुड बाय कह दिया। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, आप बताइएगा कि इस तरह की वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ या नहीं आऊँ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा किया होगा इस वीडियो ने। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएँ। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।